गोपीबाव क्या छो तमे? हे भगवान, आशु, मणि, मोटा भाभी, शू थयु कोकिला? अरे बाप रे, आटलो बधु राशि, इतना पानी कहाँ से आया? पता नहीं मम्मी जी, चलिए देखते। हे भगवान, ये पानी तो गोपी बहू के कमरे से आ रहा है। गोपी बहू, माँ जी आप, क्या है ये सब गोपी बहू, क्या है ये सब? माँ जी वो क्या, ये पानी दिखाई नहीं देता तुमको? तो अब समझ में आया कि पानी क्यों नहीं आ रहा। सब हमारी इन गोपी भाभी की मेहरबानियों का नतीजा है। चलो ठीक है, रक्षाबंधन के इतने खास मौके पर बिना नहाए धोए बैठे रहेंगे सबके सब। गोपी बहू, एक बात बताओ, रात में मेहंदी लगाने के बाद तुमने बाल धोए थे या नहीं? धोए थे या नहीं? जी माँ जी। अब सच सच एक बात बताना, बाल धोने के बाद तुमने नल बंद किया था या नहीं? सच बताना। जी माँ जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने ना सिर्फ नल बंद किया था बल्कि बाथरूम का दरवाजा भी बंद कर दिया था। माँ जी, वैसे भी मैं कभी भी खुला नहीं छोड़ती। पक्का? क्योंकि देखो ना, बाथरूम का दरवाजा तो अभी भी खुला है। वही तो राशि बेन, पता नहीं किसने खोला।
ठीक है मानी। जी नानी भाभी। सबसे पहले डफोड़ा बदू पानी साफ कर। अभी कर देती हूँ। दौड़ डोबी। मोटा भाभी हम सब त्योहार की तैयारी में लग जाते हैं। हाँ चलो। लेकिन काकी जी बिना नहाए धोए, मेरा मतलब है कि आज तो रक्षाबंधन का दिन है और पानी तो 10 बजे के पहले आएगा ही नहीं, तो फिर तभी हो गया। बोलना हो गया तुम्हारा राशि, अब चुप रहो। किंजल जाओ जाकर अहम से कहो कि फोन करके पानी का टैंकर मंगवा लें। जी माँ। मोटा भाभी फिलहाल के लिए तो काम चल जाएगा और रक्षाबंधन का मुहूर्त भी नहीं टलेगा। राशि कल मैंने तुम्हें मिठाई के लिए कहा था कि रक्षाबंधन के लिए तुम अहमदाबाद मिठाई वाले को फोन कर देना। तुमने फोन किया या नहीं? हाँ हाँ काकी जी, अब आपका हुक्म था, कैसे नहीं करती। ओहो हवे आरती उतारवानी छे, पानी निकालने में मदद करो। चलो अरे वाह, ये कागड़ी नाम का ज्वालामुखी तो आज फटा ही नहीं। एम भाई। हाँ गिंजल। माँ ने कहलवाया है कि पानी के टैंकर के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि रात भर नहाने धोने में हमारी प्यारी गोपी भाभी ने पूरी पानी की टंकी ही खाली कर दी। सबके सब बिना नहाए धोए बैठे हुए हैं और आप तो जानते हैं कि 9 बजे का रक्षाबंधन का मुहूर्त भी है, तो प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। ठीक है। अच्छा तो वे ठीक है, रहने दीजिए। त्योहार के दिन आज पहली बार इतनी बड़ी समस्या हुई है, मॉम कितनी चिंतित होगी। वैसे भी मुहूर्त को लेकर कभी वो समझौता नहीं करती। अहम दिख रहा, टैंकर वाले से बात हुई, कितने बजे आ रहा है वो? मॉम अभी तक तो उसका ऑफिस भी नहीं खुला है, 4 घंटे बाद ही वो पानी का टैंकर यहाँ पहुंचा सकता है, और वैसे भी 8 तो बजने वाले हैं। हे भगवान, तब तो राखी का मुहूर्त ही निकल जाएगा और उसके बाद राहु काल शुरू हो रहा है और उसमें तो राखी बांधी ही नहीं जा सकती। वही तो मैं सोच रहा था, कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। जिंदगी में छोटी मोटी मुश्किलें तो आती रहती है, हम कुछ और उपाय सोचते हैं। पहला फोन रख। अभी तक ये ज्वालामुखी फटा ही नहीं, क्या हो गया इस काकड़ी को? साथ